हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम मीडियन का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक नए टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन हो, है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30 फ्रिक्वेंसी गिवन हो, तो एक बात आप समझिएगा, जब भी मिड वैल्यू गिवन हो तो ये कंटिन्यू क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, मिड वैल्यू को वैसे तो हम एक्स बोलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में एक्स दिया हो तो डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स और एफ दोनों को मानकर हम डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन है तो हमको क्लास बनाना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन ने हमको मिड वैल्यू दिया है तो क्लास बनाएंगे। मैं कैसे क्लास बनती है आपको बताता हूँ। क्लास इंटरवल, देखिए डिफरेंस हम सबसे पहले देखेंगे कितना कितना डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस आ रहा है, देखिए 5 का डिफरेंस है ना, तो जब भी क्लास बनाना है तो कैसे बनाएगा, 5 का डिफरेंस है तो 5/2 कर दीजिए, कितना आएगा 2.5। ठीक है, 2.5, तो 2.5 इस वैल्यू में कम कर दो और इसी वैल्यू में बढ़ा दो तो क्लास बन जाएगी। तो कम करेंगे तो लोअर लिमिट बन जाएगा, कम इसमें कम करेंगे क्या बनेगा, 2.5 बनेगा, माइनस बढ़ा देंगे क्या बनेगा, 7.5 बनेगा, इसका मिड वैल्यू 5/5। फिर अगला 7.5 से डिफरेंस हमेशा कितना होगा, डिफरेंस उतना ही रहेगा हमारे पास में, है ना, 5/5 का। फिर 12.5 से 17.5 रहेगा, फिर 17.5 से 22.5 रहेगा, 22.5 से ना 27.5 रहेगा, और 27.5 से 32.5 रहेगा, ये हमारा। तो इस टाइप से क्लास बनानी स्टूडेंट्स, क्लास को यहाँ पर ऐसे क्लासिफाइड है। ठीक है, अब हमको सी एफ करना है, है ना। सी एफ मतलब आपको पता है क्यूमुलेटिव, 2 का 2 एज इट इज़, 2 और 3 मिल गई तो 5, 5 और 1 6, 6 4, 10, 10 2, 12, 12 3, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, सी एफ हो गया। अब हमें स्मॉल एम निकालना है, यहाँ तक क्लियर हो गया। स्मॉल एम निकाला तो समीशन एफ बाय 2 करा, तो समीशन एफ कितना है हमारे पास में, है ना, 15 है, समीशन एफ बराबर 15, यहाँ से ही पता चल गया है 15 है, तो यहाँ भी 15, 15/2 करा तो 7.5, 7.5 सी एफ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी कि ये हमारी क्लास हो जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा दें, कैपिटल L1 क्या हो जाएगा, 17.5 प्लस M क्या है, ये रहा 7.5 माइनस इसके ऊपर वाला C हो जाएगा 6 डिवाइडेड एफ, एफ कितना है, एफ है 4 इंटू 100 सॉरी इंटू इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस 5 का है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 17.5 प्लस डिफरेंस कितना आया, 1.5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5 और 7.5 हो जाएगा, ये 7.5 डिवाइडेड 4 प्लस 8 हो जाएगा समथिंग, और ये हो जाएगा मिला के 19.3 अप्रॉक्सीमेट। तो ये हमारा स्टूडेंट्स मीडियन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन कराने का मेरा पीछे उद्देश्य यही था कि जब भी क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन हो तो आपको डायरेक्ट इसको एक्स नहीं मानना है। कब, जब हमको मीडियन निकालना हो। ठीक है, मीन निकालना हो तो हम डायरेक्ट एक्स मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिड वैल्यू दिया हो तो हमको क्लास इंटरवल बनाना है। लेकिन यदि मिड वैल्यू की जगह एक्स दिया है, मिड वैल्यू नाम नहीं दिया है, है ना, सेंट्रल पॉइंट, तो फिर हमें डायरेक्ट विदाउट क्लास ही एक्स और एफ के हिसाब से डिस्क्रीट सीरीज मान के करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ओके।